हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैथोमीटर, ये आपको जो दिया गया है ये पिक्चर, ये फैथोमीटर की है। ये क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है ओशन डेप्थ। फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है ओशन की डेप्थ यानी कि पानी की डेप्थ को मापने के लिए। फैथोमीटर एक डेप्थ फाइंडर है जो साउंड वेव्स को यूज़ करता है जिससे कि वाटर की डेप्थ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है रिचर स्केल, और डेसिबल स्केल का यूज़ किया जाता है टू मेजर साउंड इंटेंसिटी। तो फैथोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मेजर ओशन डेप्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एप्सम इज द प्लेस एसोसिएटेड विद। एप्सम एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, और हमसे ये पूछा गया है कि ये जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्नूकर्स, शूटिंग, पोलो या फिर हॉर्स राइडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग के लिए एप्सम जगह है डरबाई, वहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, मतलब फेमस है ये फॉर हॉर्स रेसिंग, राइट। जो एप्सम डाउन्स रिकोर्सेज हैं ये डरबाय में हैं, और इनका जेनरिक नेम जो है फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ठीक है। और ये जो टाउन है जिसको ये नाम, इस टाउन के नाम पर ही आपने सुना होगा एप्सम सॉल्ट के बारे में। एप्सम सॉल्ट जो है यही के पानी से इन जो है मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम जो है इंग्लैंड की जगह है जो किस लिए रिलेट, किस लिए फेमस है? हॉर्स रेसिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज। सबसे फास्ट शॉर्ट हैंड राइटर कौन है उनके बारे में बताना है। हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर जी डी बिस्ट, डॉक्टर जे आर डी टाटा, जे एम टेगोर या फिर खुदादा खान। तो इसका करेक्ट आंसर है, पिक्चर देख के आपको पता भी लग गया होगा कि डॉक्टर जी डी बिस्ट जो हैं वो फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर हैं। इनको जीनियस रिकॉर्ड होल्डर का जो अवार्ड है वो मिल चुका है। पीएचडी इन्होंने की है स्टेनोग्राफी में, राइट। और इनको फर्स्ट एवर पीएचडी इन स्टेनोग्राफी के लिए जीनियस रिकॉर्ड होल्डर का रिकॉर्ड मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि राइट आंसर क्या है, चलिए फिर भी क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह के बारे में सभी ने सुना होगा। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू किस, विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं गोल्फ प्लेयर विजय सिंह? हमारे ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, फिजी या फिर यूके। तो इसका राइट आंसर क्या है? फिजी। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह फिजी से बिलोंग करते हैं, वो एक इंडो फिजियन है, ठीक है। और 1963 में उनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक हुई थी गोल्फ का टूर्नामेंट हुआ था ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ 2004 और 2005 में, जहां इनको नंबर वन रैंक मिला था गोल्फ के लिए, ठीक है। और इन्हें किस नाम से एक निकनेम दिया गया, इन्हें किस नाम से बुलाते थे लोग? द बिग फिजियन के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। और इन्होंने 3 मेजर गोल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप्स को विन किया था। इन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया था 1984 में एज अ गोल्फ प्लेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ, ये कहाँ की पॉलिसी है कि वन पीपल हो, वन स्टेट हो, वन लीडर हो, किसकी पॉलिसी थी ये? ऑप्शंस आर स्टेलिन, हिटलर, लेनिन या फिर मुसोलिन। तो इसका राइट आंसर है हिटलर। सभी को पता है कि हिटलर की पॉलिसी क्या थी, कि वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईजी फुल फॉर्म इन पुलिस डिपार्टमेंट इज, पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा काफ़ी बार कि आईजी को बुलाते हैं, ये आईजी हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईजी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीआईजी होते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये वन स्टार रैंक के पुलिसमैन होते हैं जो आईजी के अंडर काम करते हैं, यानी कि आईजी हेड होता है और डीआईजी आईजी के अंडर काम करते हैं, और इन्हें कौन सा रैंक मिला होता है? वन स्टार रैंक, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट पीएफडी इज ट्रू। पीएफडी क्या है? पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, जो हमारा तैरने के टाइम हम लोग डिवाइस डालते हैं ना कि हम डूब ना सकें, तो उसके बारे में पूछा गया है कि उसके उससे रिलेटेड कौन सी बात इन चारों में से ट्रू है। फर्स्ट क्या है? पीएफडीज आर डिफिकल्ट टू पुट ऑन इन द वाटर, यानी कि पानी में उसे डालना मुश्किल होता है। सेकेंड है यूज़ गैसोलिन टू क्लीन अ पीएफडी कोटेड विद ऑयल और ग्रीस। अगर किसी पीएफडी को, पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस को, ऑयल या ग्रीस से कोटिंग की हुई हो तो उसे क्लीन करने के लिए गैसोलीन का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन क्या है? पीएफडी डू नॉट फ्लोट वेल इन शेलो वाटर, यानी पानी अगर कम हो तो पीएफडी से इजीली हम फ्लोट नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज चिल्ड्रंस पीएफडीज शुड फिट लूजली, जो चिल्ड्रन के पीएफडीज हैं उन्हें लूजली फिट करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल टाइटली नहीं करना चाहिए फिट। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें स्टेटमेंट जो ट्रू है वो है पीएफडीज आर डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन इन वाटर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट कि पीएफडी को हम पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस को हम पानी के अंदर जाके नहीं डाल सकते, उसे पहले ही हम लोग को पुट ऑन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु विल इनॉग्रेट द सिक्स्थ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? सिक्स्थ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को कौन इनॉग्रेट करेगा? तो वो ऑप्शंस बताए हैं, वेंकय नायडू, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी या फिर मेनका गांधी। तो वेंकय नायडू इज़ द करेक्ट आंसर, जो इनॉग्रेट करेंगे सिक्स्थ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDL stands for, यानी कि DRDL किस चीज़ को, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इट स्टैंड्स फॉर क्या है? ऑप्शंस आर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंटल लेबोरेटरी, थर्ड इज डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ। अगर हम लोग सनलाइट में, डॉक्टर्स कहते हैं कि रहा करो, थोड़ा देर जाना चाहिए, तो एक्सपोजर टू सनलाइट जो है, जब हम सनलाइट में रहते हैं तो उससे जो पर्सन की हेल्थ है वो कैसे इम्प्रूव करती है, क्यों, रीज़न बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, क्योंकि जब यूवी रेज, जो सन की इंफ्रारेड लाइट पड़ती है, तो वो हमारी बॉडी के सारे बैक्टीरियाज को किल कर देती है। सेकंड क्या होता है, जब हम सनलाइट में रहते हैं तो रेजिस्टेंस पावर, यानी कि लड़ने की जो शक्ति है बॉडी की, इम्यून सिस्टम, वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस अ हेल्दी टैन। जो पिगमेंट सेल्स होते हैं स्किन के, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक हेल्दी टैनिंग हो जाती है हमारी बॉडी में, ये फ़ायदा होता है। या फिर द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, या फिर ये फ़ायदा हेल्थ को कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो स्किन पर जो ऑयल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से हमें विटामिन डी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्यों कहा जाता है कि सनलाइट में रहना चाहिए एक पर्सन को थोड़े टाइम के लिए, उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, स्किन ऑयल को कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन डी के लिए, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।